पश्चिम बंगाल में नारों से हो रहे सियासी हमले, खेला होबे और जय श्री राम के नारों की गूंज, हरे कृष्ण हरे हरे, पद्म फूल घरे घरे भी चर्चा में, बीजेपी ने दिया सोनार बांग्ला का नारा, जवाब में ममता ने किया बंग ध्वनि का उद्घोष। पश्चिम बंगाल में चुनावी संग्राम का मंच सज चुका है। जनता के दिलों में छाप छोड़ने के लिए राजनीतिक दल नारों का सहारा ले रहे हैं। हर तबके के वोटर्स को अपने पाले में खींचने की कवायद तेज है। पश्चिम बंगाल में इस वक्त एक नारा बहुत खास बन चुका है और हर किसी की जुबान पर है, खेला होबे, यानी अब खेल होगा। ये वो नारा है जिसे सत्तारूढ़ टीएमसी ने बीजेपी को ललकारने के लिए शुरू किया, लेकिन बीजेपी इसका इस्तेमाल टीएमसी को जवाब देने के लिए कर रही है। मजे की बात यह है कि कांग्रेस और वाम दल भी टीएमसी के खिलाफ इस नारे का इस्तेमाल करते दिख रहे हैं। कहते हैं कि इस राजनीतिक पंचलाइन का इस्तेमाल पड़ोसी बांग्लादेश में आवामी लीग पार्टी ने किया था, जिसे इस चुनाव के लिए टीएमसी ने उठाया। अब तो इस शीर्षक से पूरा एक गीत बन चुका है, जिसकी धुन पर टीएमसी के एक विधायक का नाचते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। टीएमसी की तरफ से जब पहली बार खेला होबे का नारा दिया गया तो बीजेपी ने इसे धमकी माना और उसकी तरफ से कहा गया कि ये चुनाव को हिंसक मोड़ पर ले जाने की कोशिश है। बीजेपी ने भी लिया वही नारा। जब खेला होबे चर्चित होने लगा तो बीजेपी ने भी इसका इस्तेमाल किया और खेला होबे को जोड़ते हुए जो जवाब दिया उसके मायने ये हैं कि हाँ, अब खेल होगा, लेकिन वो खेल हम खेलेंगे और तुम दर्शक दीर्घा में रहोगे। बीजेपी खेला होबे के जरिए ये स्थापित करने में जुटी है कि नए बंगाल का निर्माण उनके जरिए होगा। टीएमसी की तरफ से खेला होबे शीर्षक जो गीत तैयार कराया गया है उसमें बंगाली बनाम बाहरी का मुद्दा भी शामिल है। राजनाथ सिंह बोले खेला होबे। दो दिन पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बंगाल गए। उन्होंने इसी नारे के जरिए टीएमसी को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से खेला होबे, लेकिन विकास का खेला होबे, शांति का खेला होबे, अब तो पश्चिम बंगाल में बड़ा खेला होबे। जब पीएम मोदी की हुगली में रैली हुई तो वहां भी बीजेपी कार्यकर्ता यही नारा लगा रहे थे, खेला होबे। खेला होबे के अलावा चर्चा में कई दूसरे नारे। खेला होबे के अलावा इस वक्त बंगाल में कई और नारे सियासी दलों के बीच एक दूसरे पर हमला करने का जरिया बने हुए हैं। बीजेपी ने नारा दिया है चुपचाप कमल छाप। इसके जरिए बीजेपी ने वोटर्स को संदेश देने की कोशिश की कि अगर वो खुलकर टीएमसी के विरोध में नहीं आना चाहते हैं तो चुपचाप कमल को वोट दें। मजे की बात यह है कि ये नारा कभी खुद ममता ने वाम दलों के खिलाफ दिया था। ममता उसे हटाकर खुद सत्ता में आने की होड़ में शामिल थी, लेकिन ममता को लग रहा था कि बड़ी तादाद ऐसे वोटर्स की है जो लेफ्ट की सरकार से नाराज तो हैं लेकिन खुलकर सामने नहीं आना चाहते। ऐसे में टीएमसी ने नारा दिया था चुपचाप फूल छाप। वहीं बीजेपी ने एक और नारा दिया, हरे कृष्ण हरे हरे, पद्म फूल घरे घरे। कुछ लोकप्रिय नारे हैं, एबार बांग्ला पार्ले श्यामला, जिसका मतलब है कि अब बंगाल बचा सको तो बचा लो। दूसरा नारा है आर नोए तृणमूल, मतलब अब और तृणमूल नहीं। इसी के आगे की कड़ी है हाय ये बार नए नेभार, मतलब अभी नहीं तो कभी नहीं। इन नारों ने यहाँ चुनाव रोचक बना दिया है। बीजेपी का सोनार बांग्ला, टीएमसी की बंग ध्वनि। बीजेपी ने अपना नारा दिया है सोनार बांग्ला। इसके जवाब में ममता ने नारा दिया बंग ध्वनि। टीएमसी के जय बांग्ला के नारे पर भी विवाद हुआ। बीजेपी ने कहा कि ये नारा बांग्लादेश से प्रेरित लगता है। राज्य में जय श्री राम के नारे को लेकर भी एक दूसरे पर खूब सियासी हमले हुए। बीजेपी के जय श्री राम के बदले टीएमसी ने माँ दुर्गा का नारा दिया। साल 2011 में जब ममता बनर्जी 30 सालों से ऊपर की लेफ्ट सत्ता के खिलाफ सामने आई थी तो उनका सबसे मजबूत नारा बना था माँ माटी मानुष। आज भी वो नारा बंगाल की राजनीति का सबसे अहम बिंदु माना जाता है। उसी साल एक और नारा परिवर्तन चाहिए, मतलब बंगाल में परिवर्तन हो, सबकी जुबान पर आया था। साल 2016 के विधानसभा चुनाव में ममता ने ठंडा ठंडा कूल कूल ए बार जितबे तृणमूल का नारा दिया था। अधिसूचना जारी होने के बाद कुछ नए नारे भी आ सकते हैं।